हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं आपके 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जनरल स्टडी का टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझते हुए चलिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों से डिस्कस करना है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, वो लोग जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करने के चक्कर पे आपके जो पेपर का जो आंसर है, एक कॉपी में 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख के उसके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं ABCD करके। ऐसे गलती मत कीजिए। पेपर सॉल्व करने का या प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका है कि आप OMR शीट में ही अपने आंसर को सॉल्व कीजिए। हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक OMR शीट अटैच करके दिया जा रहा है। 14 टेस्ट पेपर होने वाले हैं, उसका 14 कॉपी करवा करके, 14 कॉपी निकलवा करके उसको रख लीजिए, उसमें सॉल्व कीजिए। बबल्स भरने में क्या गलतियाँ होती है, किस तरीके की परेशानियाँ होती है, क्या माइनर मिस्टेक होते हैं बबल्स भरने में, आपको उसी में पता चलेगा। तो ये पेपर पर लिख करके, पेपर आपके एक कागज पर लिख करके, ऑप्शन लिख करके सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सीरियस होकर के थोड़ा टेस्ट को आप अटेंड कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका निकाय चुनाव अध्यादेश। निकाय चुनाव अध्यादेश अभी जो हमारे प्रदेश में आपके दिसंबर के आसपास जो नगरीय निकाय है उसके चुनाव होने वाले हैं। समझिएगा, इसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कैबिनेट के द्वारा कुछ अध्यादेश जारी किए गए, कुछ निर्णय लिए गए हैं। देखिए, अभी पिछले काफ़ी आपके करंट अफेयर के वीडियो में मैं इससे ही रिलेटेड आपको अपडेट देते जा रहा हूँ। कई लोगों के डिमांड आ रहे हैं कि नगरीय निकाय से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाइए। देखिए, जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक इस पर हम सेपरेट वीडियो नहीं बना सकते। चुनाव अभी होने बाकी है, अभी और कुछ अपडेशन आएंगे। जब एक बार पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ही एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना पाना पॉसिबल है। आए दिन इसमें कुछ ना कुछ नए आपके अध्यादेश, आदेश, निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक, तो जब एक बार पूरा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेपरेट वीडियो इसका अलग से बना दूंगा। तो तब तक फिलहाल इस प्रकार की कोई भी डिमांड आप लोग ना करें। ठीक, देखिए, ये जो आपका निकाय चुनाव है, इस निकाय चुनाव में जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें समझिएगा, नगरीय निकाय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनकी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होगी समझिएगा। नगरीय निकाय के अंतर्गत आपका नगर निगम, नगर परिषद और आपका नगर पंचायत तीनों शामिल होते हैं। नगर परिषद और नगर पंचायत में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है आपका महापौर। ठीक, महापौर चुनाव जो कि अब तक आपका प्रत्यक्ष तौर पर होते आ रहा था, जिसे जनता डायरेक्ट वोट देकर के चुनती थी, उसे अब समाप्त करके अप्रत्यक्ष कर दिया गया है, यानी अब पार्षद ही अपने वोट देकर के आपके महापौर को चुनेंगे। ठीक, ये पिछले करंट अफेयर के वीडियो तक हमने ये अपडेशन देखा था। अब समझिएगा, नगरीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर पालिका परिषद और आपका नगर पंचायत, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव प्रक्रिया है वो है। देखिए, ये जो आपका चुनाव है, मान लीजिए आपने वोट देकर के पार्षद चुन लिए गए, पार्षदों ने आपका चुनाव जीत लिया, सारे जो पार्षद चुनाव जीत गए। अब समझिएगा, पार्षद चुनाव कंप्लीट होने के बाद आपका जो ये राज्य चुनाव आयोग पार्षदों के सम्मेलन के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। राज्य चुनाव आयोग पार्षदों के सम्मेलन के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा और इस अधिसूचना जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए पार्षदों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, आपने वोट देकर के पार्षद चुन लिया तो सारे के सारे पार्षद अब आपके निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। किनकी? पार्षदों की। अब बारी आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। समझिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहां पे महापौर भी इनमें शामिल है क्योंकि महापौर चुनाव भी इस साल से अप्रत्यक्ष होने वाले हैं। ठीक, समझिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ये जो आपके नगरीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और आपका नगर पंचायत, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्षदों का सम्मेलन आयोजित करेगा। पार्षदों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्षद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
पार्षद सम्मेलन जो कि आपके एक प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में यह पार्षद सम्मेलन आयोजित होगा। पार्षद सम्मेलन क्यों आयोजित हो रहा है? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए, यानी पार्षद अब अपना वोट देकर के अपने जो निकाय है निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगे। यानी नगर पंचायत है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद है तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर निगम है तो महापौर और उसका उपाध्यक्ष, ये चुनेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो प्राधिकृत अधिकारी है, इस प्राधिकृत अधिकारी को ये आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव जो आपका पार्षद सम्मेलन है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव किए जाने के लिए इस प्राधिकृत आपके अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यानी इसके निगरानी पे यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। ये जो प्राधिकृत अधिकारी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करेगा आपका राज्य चुनाव आयोग। प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करेगा राज्य चुनाव आयोग। दूसरा चीज, ये जो आपका प्राधिकृत अधिकारी है इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है, जो पार्षद सम्मेलन में जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, उसमें ये जो आपका ये जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके मत में कि उसमें दिए जाने वाले मतदान में किसी भी प्रकार का वह हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, अब समझना, देखिए ये जो है आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के लिए इसकी नियुक्ति की गई है। अब समझिए, अगर समान मत की स्थिति में, ये कंडीशन यही है, देखिए इसको मत देने का अधिकार क्यों नहीं है, मान लीजिए अगर ये जो आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें यदि समान मत मिल जाए, उन पर यदि समान दोनों को बराबर वोट पड़े, तो उस कंडीशन पे ये जो प्राधिकृत अधिकारी है उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, यानी अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है जिसमें दोनों उम्मीदवारों को आपका समान मत मिलता है या समान वोट दोनों को पड़ते हैं, तो उस कंडीशन पे ये जो निर्णय है ये लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी के माध्यम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, मतलब समझिएगा एक बॉक्स लेकर के उसमें जो दो उम्मीदवार खड़े होंगे या जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उनके नामों की पर्ची एक बॉक्स में डाल दी जाएगी तथा उस बॉक्स में से किसी एक पर्ची को निकाला जाएगा, जिस किसी का भी नाम आएगा उसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ये होता है आपके लॉटरी पद्धति के माध्यम से। समान मत की स्थिति में जो उम्मीदवार खड़े हैं, यदि सभी के सभी उम्मीदवारों को आपका समान मत पड़ते हैं या समान वोट पड़ते हैं, तो उस कंडीशन पे जो निर्णय है वो लॉटरी पद्धति के माध्यम से होगी। ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी किया गया अधिसूचना है उसमें स्पष्ट रूप से लिखित होगा। ठीक, अब समझिएगा, नेक्स्ट, राइट टू रिकॉल खत्म करके अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लाया गया। राइट टू रिकॉल क्या होता है? देखिए जो राइट टू रिकॉल है इसमें जो जनता प्रत्यक्ष अपना वोट देकर के जिस उम्मीदवार को चुनती है, ऐसा कोई भी जनसेवक जिसे जनता प्रत्यक्ष वोट देकर के चुनती है उसके कार्य यदि उस जनता को पसंद नहीं आ रहे तो उसे पद से हटाने के लिए या वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिया गया था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, ये राइट टू रिकॉल को समाप्त करके अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपके महापौर चुनाव है, महापौर चुनाव में आपकी जनता वोट करती थी, जनता वोट देकर के महापौर चुनती थी, लेकिन इस साल से जनता को साइड करके पार्षद करेंगे, अब वोट पार्षद वोट देकर के आपके महापौर को चुनेंगे। तो ये जब ऑलरेडी जो ये चुनाव अप्रत्यक्ष हो चुका है तो ये राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए इस राइट टू रिकॉल को हटा करके अब अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट लाया गया है। समझिएगा ये अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट कैसा है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव इसे लाएगा पार्षद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय जो निकाय संरचना है उसके हर एक स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कौन है, ये पार्षद वोट देंगे। ठीक, तो इसीलिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार किसे होगा, पार्षदों को ही होगा, इसलिए राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ठीक, तो कौन देगा ये जो अविश्वास प्रस्ताव, कौन ला सकता है ये अविश्वास प्रस्ताव, आपके पार्षद ही लाएंगे। दूसरा, कब लाएंगे, 2 साल बाद कार्यकाल के 2 साल बाद। समझिएगा अविश्वास प्रस्ताव, मान लीजिए आपने ये जो पार्षद है पार्षदों ने मिलकर के एक अध्यक्ष चुना, अब उस अध्यक्ष का कार्य उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उस अध्यक्ष को वो पद से हटाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हटाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ला करके। लेकिन पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा,
पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 2 साल बाद ही लाया जा सकता है। मान लीजिए जो आपका अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने अभी शपथ लिया, तो उसके शपथ लिए जाने की अवधि से या चुने जाने की अवधि से अगले 2 साल बाद, 2 साल बाद ही पहली बार आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उस बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा? उसके कार्यकाल के अवधि के 2 साल बाद, 2 साल बाद। ठीक, कैसे लाया जाएगा? अब ये अविश्वास प्रस्ताव कब लाएंगे तो मालूम चल गया, लेकिन लाएंगे कैसे? देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये 2/3 उपस्थित पार्षदों के समर्थन के साथ, 2/3 उपस्थित पार्षदों के समर्थन के साथ। अभी थोड़ा इसको आप जो लिखा है उसी को समझते चलिए, आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा सदन में, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा? 2/3 क्या लिखा है? उपस्थित पार्षदों के समर्थन में, यानी जितने पार्षद वहां उपस्थित है, तो उपस्थित पार्षदों के 2/3 पार्षद के समर्थन के साथ इसे लाया जाएगा। ठीक, और ये जो प्रस्ताव पारित कब माना जाएगा, ये प्रस्ताव को पारित कब माना जाएगा? 50% से अधिक कुल निर्वाचित पार्षदों के द्वारा। समझना, देखिए ये जो है 2/3 पार्षदों, जो 2/3 उपस्थित पार्षदों के समर्थन के साथ ही से लाया जाएगा, और ये पारित कब माना जाएगा? जो आपके कुल निर्वाचित पार्षदों की संख्या के आधे से अधिक में इसे आपका पारित माना जाएगा। समझना, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है उपस्थित, यहाँ क्या लिखा हुआ है निर्वाचित। अब मान लीजिए किसी एक अध्यक्ष का कार्य पसंद नहीं आ रहा है पार्षदों को, तो मान लीजिए जो आपका एक जो निकाय है, कोई भी एक नगरीय निकाय आप सोच लीजिए, उसमें 100 पार्षद आपके चुन के आए, 100 पार्षद निर्वाचित होकर के आए, 100 पार्षद आपके निर्वाचित होकर के आए। ठीक, अब एक अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो मान लीजिए किसी एक दिन अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो इस 100 निर्वाचित पार्षदों में से उस दिन केवल 66 पार्षद ही उपस्थित है। देखिए हर कोई आपका हर समय कोई आपका सम्मेलन या कोई आपके सदन में उपस्थित नहीं होता। ठीक, तो देखिए 100 पार्षद निर्वाचित होकर के पहुंचे, लेकिन जिस रोज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस रोज केवल 66 आपके पार्षद ही वहां उपस्थित थे। तो इस कंडीशन पे यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो जो कोई भी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो उसे उपस्थित 66 सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। 2/3 समर्थन मतलब, देखिए 2/3 समर्थन मतलब 2/3, उपस्थित कितने हैं 66। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 44, यानी 44 सदस्यों के समर्थन के साथ ये इसे आपका प्रस्तुत कर सकता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब इसे पारित कब माना जाएगा? पारित कब माना जाएगा? ये जो 100 निर्वाचित सदस्य है, देखिए कुल निर्वाचित सदस्य जो कि आधे से अधिक हो, यानी 50, ये जो 100 है, 100 का आधा कितना होगा? 50। यानी अगर इस प्रस्ताव को लाया गया और इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 पार्षदों ने वोट दिया, ठीक 50 पार्षदों ने वोट दिया, तो इसे पारित माना जाएगा। देखिए उपस्थित और निर्वाचित दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर जो इसको प्रस्तुत करने के लिए 44 पार्षदों की आवश्यकता है, लेकिन इसे पारित करने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों में से 50 पार्षदों की सहमति या उनके वोट मिलने आवश्यक है, उस कंडीशन पे इसे पारित समझा जाएगा। अगर यह पारित हो जाता है तो जो आपका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उसे पद से हटना पड़ेगा, लेकिन यदि यह पारित नहीं होता, अब इसे यहाँ समझना, अगर यह पारित नहीं होता तो अगले 1 साल तक दोबारा इसे लाया नहीं जा सकता, यानी अविश्वास प्रस्ताव अगले 1 साल तक लाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आज यदि किसी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया या उसे पूर्ण मत नहीं मिले या पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी अविश्वास प्रस्ताव आपका अस्वीकार कर दिया गया, तो इस कंडीशन में आज के डेट से लेकर के अगले 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव 1 साल की अवधि तक नहीं लाया जा सकता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते चलिएगा, इस एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, खरीफ वर्ष 2019-20
कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम सीमा समय। देखिए आप सभी को मालूम है कि अभी प्रदेश में आपके इस नए खरीफ वर्ष के लिए आपके धान और मक्के की खरीदी की घोषणा राज्य सरकार ने कर दी है। तो जो आपका धान है, धान में जो सामान्य वर्ग का है और धान में जो ग्रेड ए का है, तो सामान्य वर्ग के धान को आपका 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा और जो ग्रेड ए है उसे 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने भले घोषणा की थी कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी, लेकिन केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को उचित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल अभी जो खरीदी की जाएगी उस वह खरीदी आपको जो केंद्र सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था उसी पे खरीदी की जाएगी जब तक राज्य सरकार को केंद्र का समर्थन नहीं मिल जाता। अगर केंद्र के तरफ से राज्य सरकार को समर्थन मिलता है तो भले बाद में जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो किसानों के अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो खरीदी है ये खरीदी चालू हो रही है आपके 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से ये खरीदी चालू हो रही है आपके केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ठीक, अधिकतम सीमा यानी देखिए अधिकतम सीमा क्या है, 15 क्विंटल प्रति एकड़ यानी 1 एकड़। अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ की भूमि है तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 1 एकड़ में जितनी भी फसल हुई उस पूरे के पूरे फसल को वह आपका राज्य सरकार को बेच देगा, ऐसा नहीं। 1 एकड़ की भूमि पर अधिकतम 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा सकती है। मान लीजिए 1 एकड़ का उसका खेत है, 1 एकड़ के खेत में उसमें समझ लीजिए आपके 20 क्विंटल उसने धान का उत्पादन किया, तो उस 20 क्विंटल में से केवल 15 क्विंटल की ही खरीदी आपकी राज्य सरकार करेगी। ठीक, खरीदी कब से कब तक होगा, 1 दिसंबर से खरीदी चालू होगा जो कि अगले साल 15 फरवरी 2020 तक इसकी खरीदी की जाएगी। मक्का की खरीदी आपका 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा जो कि 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदा जाएगा जो 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 31 मई 2020 अगले साल 31 मई 2020 तक इसकी खरीदी की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चित स्थान सबसे पहले नंबर पर है आपका चीतल एवं नीलगाय पार्क। आप सभी को मालूम है कि ये जो हमारा जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में आपके चीतल और नीलगाय बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो आपके प्रवास में गए हुए थे इस सरगुजा संभाग तरफ। ये जो रामानुजगंज को चीतल और नीलगाय पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। कहाँ पर, रामानुजगंज में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रामानुजगंज को आपका चीतल और नीलगाय पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये रामानुजगंज किस जिले में है, ये रामानुजगंज है आपके बलरामपुर जिले में। ठीक, तो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में आपके चीतल और नीलगाय पार्क बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। नेक्स्ट है आपके गारेपालमा कोयला क्षेत्र, ये मौजूद है आपके रायगढ़ जिले का गारेपालमा कोयला क्षेत्र, जिसकी जो वहाँ पे उत्खनन करने के लिए जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ने बहुत ऊँची बोली, सर्वाधिक बोली के साथ इसके उत्खनन का अधिकार अपने नाम किया है। लगभग आपका 230 रुपये प्रति टन के दर से इस बोली को आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ने अपने नाम किया है। ये जिंदल स्टील पावर लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा जो आपका गारेपालमा जो कोयला क्षेत्र है ये मौजूद है आपके रायगढ़ जिले में, जिसमें अनुमानतः 11.41 करोड़ टन आपके कोयले के भंडार का अनुमान है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय रसायन सम्मेलन जिसका आयोजन होगा आपके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। तीसरी बार है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रसायन सम्मेलन का आयोजन आपके पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर में इसका आयोजन होने वाला है, रसायन से संबंधित जो शोध अनुसंधान किए गए हैं उस पर चर्चा के लिए। नेक्स्ट है आपके कन्याकुमारी मंदिर जो मौजूद है आपके चंदखुरी के कन्याकुमारी मंदिर में अभी इस कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक पुन्नी मेले का आयोजन हुआ है। कहाँ पर, कन्याकुमारी मंदिर, कहाँ मौजूद है, समुदा बैराज महानदी के तट पर रायपुर जिले में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ नियुक्तियां, देखिए
छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके सी के खेतान को। सेकंड नंबर पर है आपके राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए क्या लिखा है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुना गया है आपके अजय सिंह को। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष चुना गया है आपके अजय सिंह को। नेक्स्ट है आपके सचिव, गृह सचिव नियुक्त किया गया है आपके सुब्रत साहू को, और आपके जो वन सचिव नियुक्त किया गया है वो है मनोज कुमार पिगुआ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गृह सचिव आपके सुब्रत साहू, जबकि वन विभाग के जो सचिव है वो कौन होंगे, मनोज कुमार पिगुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार को अभी जो आपका राज्योत्सव का आयोजन किया गया है इस छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में, इस अरपा पैरी के धार को आपको राजकीय गीत की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। समझिएगा ये जो आपके नरेंद्र देव वर्मा, ये जो अरपा पैरी की धार है, ये जो अरपा पैरी की धार जो गीत है इसकी जो रचयिता है वो है आपके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। समझिए अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, समझिए अब इसको, ये अब छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी शासकीय कार्यक्रम में या आयोजनों के शुभारंभ से पहले इस राजकीय गीत को बजाया जाएगा। ठीक, तो इसके रचनाकार कौन है, आपके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अब समझिए, अब अगर प्रश्न घुमाना हुआ, प्री में घुमाना हुआ, व्यापम को अगर घुमाना हुआ, यहाँ तक कि अगर आपसे इंटरव्यू में भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में हो सके तो डायरेक्ट आपको इस पूरी की पूरी गीत को गाने के लिए बोला जा सकता है। गीत को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें से कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ, अगर पेपर में अगर फंसाना हुआ तो किस प्रकार से फंसाएगा। समझिए ये जो अरपा पैरी की धार है, ये अरपा पैरी की धार की जो पूरी गीत है उसमें कितने नदियों के नाम का उल्लेख है या उसमें कितनी नदियों के बारे में बोला गया है। देखिए अरपा पैरी की धार जो आपकी गीत है उसमें कितने नदियों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा चार नदियों का उल्लेख है। अगर प्रश्न पूछा तब की बात है, डिटेल में गया तब की बात है। अरपा पैरी के धार गीत में आपके चार नदियों का उल्लेख है, चार नदी कौन कौन से है, अरपा पैरी महानदी इंद्रावती। ठीक, कौन कौन सा, अरपा पैरी महानदी इंद्रावती, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पहिया। ठीक, तो ये जो शुरू के जो दो लाइन है उसी में आपके चार नदियों का उल्लेख है, आगे नदियों का उल्लेख नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है उसमें चार नदियों का उल्लेख है, प्रदेश के चार नदियों का उल्लेख है। नेक्स्ट, कितने जिलों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सात जिलों का उल्लेख है। अरपा पैरी के धार जो राजकीय गीत है उसमें प्रदेश के कुल आपके सात जिलों का उसमें उल्लेख है। ठीक, अब समझिए तो जो हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, उस पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के नक्शा को छत्तीसगढ़ महतारी की संज्ञा दी गई है, और इन जिलों को उस छत्तीसगढ़ महतारी के शरीर के अंग और उसके आभूषण की संज्ञा दी गई है। समझिएगा ये जो आपका रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला को छत्तीसगढ़ महतारी का मुकुट बताया गया है, जबकि आपका सरगुजा और बिलासपुर जिला है उसे छत्तीसगढ़ महतारी की बाह या दोनों आपकी भुजाएं बताई गई है। उसके बाद है आपका रायपुर जिला जिसे छत्तीसगढ़ महतारी का बताया गया है, आपका राजनांदगांव जिला जिसे छत्तीसगढ़ महतारी का जो आपके कमर में पहने जाने वाला जो आभूषण है करधन बताया गया है आपके राजनांदगांव जिले को, जबकि दुर्ग और आपका जो बस्तर है उसे पैजनिया यानी पैरों में पहने जाने वाले आभूषण की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से कुल आपके सात जिलों का उल्लेख है इस छत्तीसगढ़ के नए राजकीय गीत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसे क्या संज्ञा दी गई है या कितने जिलों का उल्लेख है, कितने नदियों का उल्लेख है, सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए अब बात आती है नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा का जो जीवन परिचय है उसे आपको तैयार करना है, उतना डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ, उसे समझिएगा। ये जो नरेंद्र देव वर्मा है उनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम है आपका अपूर्वा। नरेंद्र देव वर्मा की कविता संग्रह का नाम क्या है, अपूर्वा। ठीक, ये और सेकेंड नंबर पर है आपका एक हिंदी उपन्यास सुबह की तलाश। नरेंद्र देव वर्मा की हिंदी उपन्यास का नाम क्या है, वो है आपका सुबह की तलाश। याद रखिएगा किस विधा की बात हो रही है वो भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ी कविता या कविता संग्रह का नाम क्या है, अपूर्वा। हिंदी उपन्यास का नाम क्या है, सुबह की तलाश। मोला गुरु बनाई लेते, ये छत्तीसगढ़ी प्रहसन्न है, प्रहसन्न मतलब होता है आपके हास्य पद। ठीक, छत्तीसगढ़ी प्रहसन्न का नाम है आपका मोला गुरु बनाई लेते, और छत्तीसगढ़ी व्याकरण छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली पर आधारित उनकी एक रचना है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली पर आधारित
रचना का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछे जा चुके हैं, अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन भी किया गया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विवेक ज्योति। इन्होंने एक विवेक ज्योति नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका विविध, मिसलेनियस, समझिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से इस बार कुल 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। पेपर में शुरू में आया था 23 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा करके, उन 23 विभूति जो आपके कुल 23 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, उसमें स्टार्टिंग में आपका जो वीर नारायण सिंह सम्मान है और जो भंवर सिंह पोत्रे सम्मान है उसमें उसकी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन एक या दो दिन बाद इनके भी पुरस्कारों के लिए जो नामों की घोषणा कर दी गई। तो 23 + 2 = 25, इस साल कुल 25 विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपके 25 विभूति कौन कौन से है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है, मैंने टेलीग्राम में और फेसबुक में उनके नामों का लिस्ट भेजा है, उसको जाके पढ़िए। सोशल मीडिया में भी आपको, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे या फेसबुक ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको इनके नामों का लिस्ट मिल गया होगा, तो वहां से उसे पढ़िए। समझाने लायक उसमें कुछ नहीं है, जबरदस्ती का वीडियो लंबा होगा, केवल उसे उठाइए और उसे रटना चालू कीजिए, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। जितने भी नाम है सारे नाम इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या किसी भी एक पुरस्कार को उठा करके किसे वह पुरस्कार प्रदान किया गया पूछ सकता है। आपके लिए एक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है जो सभी के लिए आपका डाउट का विषय था, जो आपका माधवराव सप्रे पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, उसमें एक नाम था रवीश कुमार। कई लोग कन्फ्यूजन में थे रवीश कुमार कौन है, छत्तीसगढ़ के है कि जो आपके NDTV के जो आपके पत्रकार है रवीश कुमार वो है, तो जी हाँ, NDTV के जो पत्रकार है रवीश कुमार, उन्हें ही इस माधवराव सप्रे पुरस्कार से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, माधवराव सप्रे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो NDTV के जो आपके पत्रकार है वो है आपके रवीश कुमार, उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, निधन, सूरज विराट। सूरज विराट छत्तीसगढ़ के जो एक रंगकर्मी है सूरज विराट, जिनका 30 वर्ष की आयु में दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, राजनांदगांव जिले से ये संबंधित थे, ये छत्तीसगढ़ के एक रंगकर्मी है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी याद रखिएगा, दीपक विराट, जो कि जो आपके हबीब तनवीर का जो नया थिएटर थे, नया थिएटर में जो चरणदास चोर की भूमिका निभाते थे इनके पिता जो कि जिनका नाम है आपका दीपक तिवारी विराट, इनका पूरा नाम है दीपक विराट करके इनको इनके पिताजी को जाना जाता है, जो कि आपके हबीब तनवीर के नए थिएटर में चरणदास चोर की भूमिका निभाते थे, उनके पुत्र थे आपके सूरज विराट, ये भी एक रंगकर्मी थे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनकी एक संस्था है जिनका नाम है रंगकर्मी संस्था का नाम है इनका रंग छत्तीसा के संचालक थे। इंपॉर्टेंट है, इनकी संस्था का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग पत्रिका, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका लॉन्च किया गया, कब, इस छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के दौरान, जिसका नाम रखा गया है दिशा, जो कि छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली विभिन्न योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश, उसके पात्र अपात्र सारी चीजों का, मतलब उसमें सरकार किस प्रकार से क्रियान्वयन कर रही है, कहां लागू कर रही है, कौन इसके लिए पात्र होंगे, ये सारी जानकारी देगा ये दिशा। तो दिशा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का एक त्रैमासिक पत्रिका का नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार सूचकांक। देखिए, ये जो आपका स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार सूचकांक है, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये केवल अगस्त से सितंबर तक की एक माह की रैंकिंग इसमें जारी की गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए, 115 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में किस प्रकार के सुधारात्मक कार्य इन जिलों के द्वारा किया गया, उनकी एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर है आपका धौलपुर, जो कि आपके राजस्थान राज्य का है, राजस्थान राज्य के धौलपुर जिला इसमें पहले पोजीशन पर है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के दो जिले शामिल है, पांचवें नंबर पर है सुकमा जिला और दसवें नंबर पर है आपका राजनांदगांव जिला। ठीक, तो ये सारे चीजों को याद रखिएगा, स्पेशली आपको याद रखना है ये नरेंद्र देव वर्मा की जो आपके गीत है अरपा पैरी के धार, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये जो इधर कॉन्सेप्चुअल चीज बताया, ये आपके जनरल स्टडी का टॉपिक है, प्रश्न पूछना हुआ तो इसे एक ना एक प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा, और बाकी मेरे हिसाब से तो जितने भी चीजें वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूं। ठीक, फालतू करंट अफेयर इंक्लूड करने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो
वीडियो जबरदस्ती का लंबा होता है, वीडियो लंबा होता भी है तो आपको समझाने के लिए ही लंबा होता है। कुछ लोग के कमेंट आते हैं जबरदस्ती का हल्ला मत मचाइए कीजिए, जिस तरीके से मेरे को वीडियो बनाना है मैं वैसे ही बनाऊंगा, वीडियो लंबा बनता है देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।